अस्सलाम वालेकुम, दिस इज जुनैद अवैस भट्टी, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूं अल्लाह के फजल और करम के साथ आप सब लोग ठीक होंगे। आज सेकंड ईयर फिजिक्स चैप्टर 19 डॉन ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की सुबह, उसमें से चूज किया और टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अपनी तरह अपनी नोयत का एक वाहिद एक्सपेरिमेंट है फिजिक्स के अंदर, क्योंकि 1903 में जब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने यह थ्योरी पेश की कि रोशनी की पार्टिकल नेचर होती है, तो तमाम तर साइंटिस्ट और नोबेल प्राइज देने वाला पूरे का पूरा पैनल उसके खिलाफ हो गया था। फिर 17 साल मुसलसल मेहनत के बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की मदद से पहली बार यह साबित हुआ कि रोशनी की पार्टिकल नेचर होती है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टार्ट करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो मीन लाइट, इलेक्ट्रिक चार्ज, लाइट की मदद से चार्जेस पैदा करना, लाइट से करंट पैदा करना। तो इसमें एक्सपेरिमेंट किस तरह किया गया, एक कैथोड लिया गया, एक एनोड लिया गया, एनोड के पीछे एमीटर लगाया गया करंट की डिटेक्शन करने के लिए कि जब एनोड के ऊपर कोई चार्ज आके पड़े, कोई इलेक्ट्रॉन आके स्ट्राइक करे, तो यहां पर करंट डिटेक्ट हो। यहां पर एक वोल्टेज देख लगाया गया ताकि आप यहां पे जो इस कैथोड और एनोड को बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, उस पोटेंशियल डिफरेंस को नोट किया जा सके। तो यह है हमारा ऑपरेटर। अब जब इस कैथोड के ऊपर एक खास इन फ्रीक्वेंसी की लाइट को फॉल करवाया गया, तो इस कैथोड के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल के एनोड की तरफ मूव करना स्टार्ट हो गए, जहां से यह जाहिर हुआ कि लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, करंट पैदा किया जा सकता है। लेकिन यह काफी नहीं था यह चीज साबित करने के लिए कि रोशनी की पार्टिकल नेचर है। अब पहले थोड़ा सा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट एक मेटल सरफेस पर आके फॉल करती है और उस लाइट की कंप्लीट एनर्जी अब्सॉर्ब होने के बाद इलेक्ट्रॉन इस सरफेस से एमिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। वो एनर्जी ऑलमोस्ट 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब करीब होती है, और 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब करीब लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है, ऐसी फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इट्स मीन के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ये फिनोमेना करवाने के लिए हमें मिनिमम एक फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है, जिस फ्रीक्वेंसी से नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो सकता। यहां पे मिनिमम का मतलब यह नहीं है कि कम फ्रीक्वेंसी, यहां पर मिनिमम का मतलब है कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी दरकार है, उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, उसके बाद लाइट के फॉल करवाने से सरफेस से इलेक्ट्रॉन एमिट होना स्टार्ट होंगे, उस फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब आते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तरफ बाकी वापस। तो क्योंकि ये काफी नहीं था कि लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन पैदा हो रहे हैं तो ये पार्टिकल नेचर को साबित करें, तो फिर इस एक्सपेरिमेंट को रिवर्स किया गया, बैटरी की पोलैरिटी को रिवर्स किया गया। बैटरी की पोलैरिटी को रिवर्स क्यों किया गया, ताकि ये देखा जा सके कि क्या वाकई ही जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं वो लाइट की वजह से एमिट हो रहे हैं, या फिर इस बैटरी का पोटेंशियल इतना ज्यादा था कि उसने यहां से इलेक्ट्रॉन को फ्लो करके यहां तक भेज दिया। तो जब रिवर्स में बैटरी लगाई गई, रिवर्स में बैटरी लगाने से ये एनोड की तरह एक्ट करना शुरू हो गया, एक्चुअली एनोड ही बन गया, और ये हमारा नया कैथोड बन गया। लेकिन लाइट के फॉल करवाने से रिवर्स के अंदर भी यहां से इलेक्ट्रॉन एमिट हो गए, इस सरफेस की तरफ जाते, क्योंकि आगे नेगेटिव टर्मिनल था, क्योंकि हमने बैटरी की पोलैरिटी को चेंज कर दिया था, इस तरफ नेगेटिव और इस तरफ पॉजिटिव हो गया था। तो अब यहां से पैदा होने वाले इलेक्ट्रॉन्स को समहाउ एक रिपल्शन होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन क्योंकि इनको 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दरकार मिली होती है, तो ये यहां से यहां तक मूव कर जाते हैं। लेकिन जब हम इस बैटरी की पोलैरिटी को रिवर्स में इंक्रीज करना शुरू करते हैं, तो उस वक्त क्या होता है कि एक खास पोटेंशियल डिफरेंस आता है रिवर्स के अंदर, जब यहां से पैदा होने वाला इलेक्ट्रॉन, जिसको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिली इस फोटोन की मदद से, इस लाइट की एनर्जी जो उसको प्रोवाइड हुई, वो इलेक्ट्रॉन भी इस कैथोड एनोड की, न्यू एनोड की सरफेस को छोड़ के जाना बंद कर गया, उस पोटेंशियल डिफरेंस को स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। तो अब टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। यहां से जो लाइट की वजह से करंट पैदा हुआ, उस करंट को फोटो करंट कहते हैं,
और जब रिवर्स में भी रोशनी की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव किए तो यह साबित हो गया कि रोशनी की पार्टिकल नेचर होती है। तो अब हमने लास्ट में इसके इफेक्ट डिस्कस करने हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर फ्रीक्वेंसी और लाइट की इंटेंसिटी का क्या क्या इफेक्ट है। तो सबसे पहले ये बोर्ड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी बोर्ड के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों के इंटेंसिटी का और फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट है। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट क्या है। यहां पर आपको दो एमसीक्यूज कोड करवाता हूं। एमसीक्यूज नंबर वन, फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो यहां पे एमिट हो रहे हैं वो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, जबकि फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है आपकी स्टॉपिंग पोटेंशियल पे और स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। इसका मतलब है कि अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा होगा, अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कम होगा। यहां पे एक पॉइंट क्लियर करना चाहूंगा कि इस तरफ पोटेंशियल नेगेटिव में ज्यादा हो रहा है, इस तरफ पोटेंशियल पॉजिटिव में ज्यादा हो रहा है। तो यहां पर पोटेंशियल के ज्यादा होने का मतलब है कि पोटेंशियल का नेगेटिव वैल्यू ज्यादा हो रही है। जैसे फ्रीक्वेंसी आप लाइट की ज्यादा करोगे आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल की नेगेटिव वाली वैल्यू भी ज्यादा हो जाएगी, और जब आप स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी को कम करेंगे तो आपके स्टॉपिंग पोटेंशियल की नेगेटिव वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर करंट की वैल्यू फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती। तो ये दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है बेसिकली आपके। सेकेंड पॉइंट, इफेक्ट ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो करंट्स। तो लाइट की इंटेंसिटी, रोशनी की शिद्दत, आप अगर गौर करें तो अगर क्लाउडी डेज हो या फिर सनी डेज हो तो इन दोनों में लाइट की शिद्दत में बड़ा फर्क होता है, और लाइट की इंटेंसिटी ही एक्चुअली जो वजह है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ज्यादा एमिट होंगे। अगर लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा पैदा होंगे, सॉरी एमिट होंगे, और अगर लाइट की इंटेंसिटी कम होगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कम एमिट होंगे। अब लाइट की इंटेंसिटी स्टॉपिंग पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करती, और स्टॉपिंग पोटेंशियल बिल्कुल इसी तरह लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। ये बोर्ड के दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। इसके साथ ही फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारा खत्म होता है। इसके बारे में और फर्दर डिटेल कि इसकी क्वांटम थ्योरी की मदद से आगे कैसे आइंस्टाइन ने हमें वो कंडीशंस प्रोवाइड की कि वर्क फंक्शन के इलेक्ट्रॉन जब संरचना छोड़ के जाता है तो उसके ऊपर कितनी ज्यादा एनर्जी ऑब्जर्व होती है और कितनी एनर्जी के साथ वो आगे मूव करता है, इस पर इंशाल्लाह फर्दर एक डिटेल लेक्चर आएगा। इस तरह की मजीद वीडियो के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप एनडी टेस्ट के लिए भी इस टॉपिक को तैयार कर सकते हैं, एफएससी के लिए भी, और फर्दर अगर आपके जहन में कोई टॉपिक हो तो आप कमेंट के अंदर बताएं, मैं इंशाल्लाह उस टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो बना दूंगा। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, खुदा हाफिज़।